हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी फॉर M7.5 ग्रेड कंक्रीट। M7.5 ग्रेड कंक्रीट का रेशियो होता है 1 सीमेंट 4 सैंड 8 एग्रीगेट। जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा सम ऑफ रेशियो, जो कि है 1 प्लस 4 प्लस 8, हमारा आ गया 13। वॉल्यूम ऑफ ड्राई कंक्रीट 1.54 to 1.57, ये हमारा श्रिंकेज और सेफ्टी फैक्टर है। अब हम सबसे पहले 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क के लिए निकालेंगे सीमेंट सैंड एग्रीगेट की क्वांटिटी। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट रिक्वायर इक्वल टू एग्रीगेट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57। एग्रीगेट रेशियो है 8, सम ऑफ रेशियो 13 इनटू 1.57। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आएगा 0.96615 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सैंड रिक्वायर इक्वल टू आ गया सैंड रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57, सैंड रेशियो 4 बाय सम ऑफ रेशियो 13 इनटू 1.57। वॉल्यूम ऑफ सैंड आ गया 0.48307 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर इक्वल टू सीमेंट रेशियो बाय सम ऑफ रेशियो इनटू 1.57, सीमेंट रेशियो 1, सम ऑफ रेशियो 13 इनटू 1.57। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट आ गया हमारा 0.12076 मीटर क्यूब। अब हम निकालेंगे वेट ऑफ सीमेंट। वेट ऑफ सीमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमारा 0.12076 इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट हमारा होता है 1440। इसे हम सॉल्व करेंगे, हमारा आएगा 173.9 वेट आ जाएगा हमारा ये सीमेंट का। अब हम जानते हैं 1 बैग सीमेंट का वेट होता है 50 kg। अब हम 50 को 173 को डिवाइड कर देंगे 50 से, हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ बैग, तो हमारा आएगा 3.478 बैग, 3.5 बैग लगेगा हमारा सीमेंट। हमें 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट वर्क करना है M7.5 ग्रेड कंक्रीट से, तो हमारा एग्रीगेट 0.96615 मीटर क्यूब, सैंड 0.48307 मीटर क्यूब और सीमेंट बैग 3.5 बैग लगेगा।